वेलकम टू अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आज लेकर आई हूँ आपके लिए सिंपल परवल भाजा की सब्जी या पोटल भाजा। बहुत ही सिंपल है, हल्के मसालों के साथ बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, तो बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। परवल भाजा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 परवल, जिसको मैंने बीज से काट कर उसके बीज निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इसके बीज रख भी सकते हैं। 1.5 चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सबसे पहले पैन में हम तेल डालेंगे और उसके अंदर परवल को भुनने के लिए डाल देंगे। इसको हमें हाई फ्लेम पर ही भुनना है। और अब डाल देंगे हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। और फिर से मिला लेंगे। और इसको फिर हम ढक कर रख देंगे पकने के लिए 3-4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट बाद वापस खोलेंगे इसको। एक बार मिला लिया, अब डालेंगे हमारे मसाले, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और फिर से मिला लेना है। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। इसको मिला के अब इसमें हम पानी का थोड़ा सा छीटा देंगे, बस नाम का पानी, ताकि मसाले जो है वो थोड़ा अलग अलग हो जाए, जले ना और अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और इसको हम ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे और करीब 10-12 मिनट लगता है परवल को ऐसा होने में। परवल हमारा सर्व करने को बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आएगी। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।